रोमन रेंस के 8 बड़े सीक्रेट जो कि आप में से किसी को भी पता नहीं होंगे, अगर पता भी होंगे तो बहुत कम लोगों को ही पता होंगे। तो यार ये वीडियो काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड थी रोमन रेंस के फैंस की तरफ से, अगर कोई नहीं भी था तो भी जानना चाहता था रोमन रेंस के बारे में, तो मैंने फाइनली इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, 8 रोमन रेंस के बड़े सीक्रेट। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं वर्मन, चलिए वीडियो में चलते हैं। नंबर 8 पर है व्हाई एवरीवन हेट हिम। अब हम जानना चाहते हैं क्यों रोमन रेंस को इतना ज्यादा हेट किया जाता है। हालांकि मैंने बहुत बार इसके बारे में बात की है, बट एक सबसे बड़ा रीजन है द रॉक। अब लोग जो कि रॉक के फैन है वो रोमन रेंस को हेट इस वजह से करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रोमन रेंस रॉक को कॉपी कर रहा है, लाइक उसका टैटू और वगैरह, और वो रॉयल रंबल के टाइम से ही उसके एंटी हो गए थे, तब से उसकी फॉलोइंग नीचे जाने लगी थी। नंबर 7 पर है यंगेस्ट स्लैमी अवार्ड विनर फॉर द सुपरस्टार ऑफ द ईयर। एट 29 की एज में ही रोमन रेंस को सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया था, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया था। नंबर 6 पर है वन ऑफ हिज मैच स्टार एट 4.5 स्टार्स, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है एक न्यू कमर के लिए। तब के टाइम में वो न्यू कमर ही था कि उसके मैच को 4.5 स्टार रेटिंग मिल गई। हालांकि कहने में लगता है कि 5 स्टार नहीं हुआ, बट 5 स्टार मैच बहुत बड़ा होता है। स्टिल 4-5 साल के करियर में अगर 4.5 स्टार का मैच मिल गया है तो आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। नंबर 5 पर है ब्राइट फ्यूचर इन हॉलीवुड। रोमन रेंस को कंटिन्यूसली हॉलीवुड से बड़ी बड़ी फिल्म्स ऑफर होती रहती हैं। रोमन रेंस ने कोई भी फिल्म साइन नहीं की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। रोमन रेंस चाहता है कि पहले WWE फैंस उसे एक्सेप्ट करें, उसके बाद ही वो जाकर किसी और जैसे हॉलीवुड वगैरह या फिर किसी और इंडस्ट्री में ट्राई करेगा। जहां तक मुझे लगता है द रॉक की तरफ से उसे बड़े ऑफर्स आते होंगे और वो एक्सेप्ट नहीं करता होगा, रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया। नंबर 4 पर है ही लव्स रोमन रेंस, ही लव्स आयरन मैन ओवर बैटमैन। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, रोमन रेंस को लगता है कि आयरन मैन के पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, बल्कि बैटमैन सिर्फ अपने दिमाग से बना है और मुझे सुपर पावर अच्छी लगती है, इस वजह से वो आयरन मैन को बैटमैन के ऊपर चुनता है। नंबर 3 पर है एटलीस्ट रेसलिंग पॉइंट 2014 में सबसे कम रेसलिंग मैचेस किए हैं रोमन रेंस ने, जो कि काफी काफी ज्यादा कम थे क्योंकि वो टैग टीम में ज्यादा ध्यान दे रहा था, ना कि मेन सिंगल्स रन एंड ऑल दिस। उस चीज की वजह से 2014 में उसके सबसे कम मैचेस रहे थे। नंबर 2 पर है CM Punk made him। अब इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा और मैं चाहता नहीं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो, तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो चलिए नंबर 1 पर चलते हैं। He never won a single title। मैं WWE की नहीं बात कर रहा, पर WWE से पहले या फिर शील्ड टूटने के पहले भी उसे कभी सिंगल्स कॉम्पिटिशन अच्छे मिले ही नहीं थे। वो हमेशा टैग टीम में रहा और पीछे रहा, जस्ट खड़ा रहता था। माइक स्किल्स डीन एम्ब्रोस जैसे रेसलर को दी जाती थी और इसी वजह से ही उसे पहले टैग टीम चैंपियनशिप के लिए डिसाइड किया गया था, क्योंकि वो एक अच्छी माइक स्किल्स के साथ नहीं आता था और इन्हीं सब चीजों की वजह से वो पीछे रह गया और उसे माइक स्किल्स के बारे में कुछ ज्यादा खास पता नहीं लगा, जिसकी उसे बहुत बड़ी डिसएडवांटेज मिल रही है। और आज के टाइम में वो एक हेटेड रेसलर सिर्फ इसी की वजह से है क्योंकि माइक में अच्छा नहीं बोल सकता। बट स्टिल ये थे कुछ रोमन रेंस के एस्टोनिशिंग सीक्रेट्स, काफी सारे अकम्प्लिशमेंट इतने कम समय में करने वाला रोमन रेंस। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं वर्मन।